हमासान डॉट कॉम की ओर से मैं राजा डॉट आपका स्वागत करता हूँ। आज की बड़ी खबर, विदेश यात्राओं से लौटे 60 लोग लापता। पहले तो केंद्र सरकार ने विदेशों से आए हवाई यात्रियों की समय पर जांच नहीं करवाई और फिर 15 लाख यात्रियों की जांच करवाने का ठेकेदार राज्य सरकार के माथे फोड़ दिया। 15 फरवरी के बाद 12,000 से ज्यादा उन लोगों की सूची भी शासन ने जारी की जिन्होंने विदेश यात्राएं की। लगभग 4400 से ज्यादा इसमें दौर के लोग शामिल है और पहले नगर निगम को जो 3122 यात्रियों की सूची भी थी उसकी जानकारी घर घर भिजवा कर ले ली गई है। इनमें से 2880 यात्रियों की तो पड़ताल भी हो गई है और उनपे से सिर्फ एक ही कोरोना संक्रमित मरीज पाया गया है जो खुद ही अस्पताल पहुंच भी गया था। लेकिन अभी भी 80 लोग ऐसे हैं जो लापता है, यानी उनका नाम पता नहीं मिल रहे हैं। कई लोग अपने पते और नाम भी पासपोर्ट पर गलत दर्ज करवा देते हैं तो कई लोग पता परिवर्तन भी नहीं करवाते। यही कारण है कि अभी ऐसे लोगों की खोज करने में परेशानी आ रही है और अभी 80 लोग ऐसे हैं जिनके पासपोर्ट पर लिखे पते पर कोई मिला नहीं है या ताला लटका हुआ है। अब स्थानीय पुलिस प्रशासन इन लोगों की तलाश करेगा और न मिलने पर समाचार पत्रों में फोटो सहित जाहिर सूचना प्रकाशित की जाएगी और पोस्टर लगवा कर भी बंटवाए जा सकते हैं। नगर निगम को 3122 यात्रियों की सूची प्रशासन ने सौंपी है। आयुक्त आशीष सिंह के मुताबिक इनमें से अधिकांश लोग मिल गए हैं। 2960 हवाई यात्रियों तो इंदौर नगर निगम क्षेत्र में निवास करते हैं और अन्य बचे हुए लोग उज्जैन और देवास के हैं। लिहाजा वहाँ के प्रशासन को इनकी सूची और जानकारी दे दी है ताकि उन्हें वहाँ पर ढूंढा जा सके। गनीमत यह रही है कि इंदौर में सिर्फ एक यात्री कोरोना संक्रमित पाया गया है जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए ghabhasa.com। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।